दोस्तों आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले। अगर कोई भी कपल है वो लिव एंड रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब दोनों भी साथ में रहने लग जाते हैं, 12 महीना 6 महीने बाद उनके बीच में विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कई बार, तो उसके बाद में लड़की कौन कौन से तो केस कर सकती है और उन केसों से आप कैसे बच सकते हो, इसी टॉपिक पे आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वजह से वीडियो काफी महत्व होने वाला है और वीडियो के अंदर देखा। तो दोस्तों नोटा सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बार दोस्तों थर्ड बार दोस्तों व्हाट्सएप के नंबर लिखे रहते हैं, आप लोग क्या सुनिए, पर वॉइस कॉल के नहीं होते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर होते हैं। तो अगर आपको बात करना है तो अपॉइंटमेंट बुक करिए, उसके बाद ही आपकी बात हो पाएगी। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो विदाउट मैरिज के, मतलब कहते हैं कि साहब हम एक दूसरे को बिन फेरे हम तेरी, ये वाला आपने सॉन्ग सुना होगा बहुत पहले, ठीक है। तो आजकल ये ट्रेंड बढ़ा हुआ है लोगों के बीच में, लेकिन इनमें भी विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो तो 12 महीना 6 महीने आपके दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ज़रूर हो जाते हैं। अब ये सब देखे, कभी भी आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो ना, तो कहीं बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसका मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के लेके आऊँगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में यही बात करेंगे कि बाई चांस लड़की और लड़के के बीच में लड़ाई हो जाती है तो लड़की कौन कौन से केस कर सकती है। देखिए, सबसे पहला केस करेगी आपके ऊपर वो कि भैया आपने उसके साथ देकर संबंध बनाया, मतलब आप पे रेप केस तो आपको पक्का डेफिनेटली बन जाएगा। दूसरा, अगर कोई सोसाइटी में हर किसी को ये सौंप करते हो या उसके साथ भी आप ये सौंप कर सकते हो नोटरी टाइप का या कुछ ऐसा बना के कि हमने कानूनी तौर पे आपसे शादी कर दिया, जो कि वैलिड है ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में भैया आप पे IPC 493 का केस बन जाएगा, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और नॉन बेलबल गैर जमानती अपराध है ये, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भैया आप हो। और तीसरा, डोमेस्टिक वायलेंस का अगर मारपीट किए DV का केस पूरा लगेगा। और फोर्थ, मेंटेनेंस का केस भी आप पे लगेगा। ये चीज़ें आप लोग पूरी कंसर्ट समझ लेना। अब देखिए, इन केसों से आप ये 4 केस तो मैक्सिमम है, और केस तो बहुत सारे, अगर फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बनाए कुछ ऐसा किया तो वो तो काफ़ी कुछ बन सकते हैं, लेकिन जो मेजर सेक्शन वगैरह लगते हैं, जो मेजर केस बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, IPC 376 का बनेगा, IPC 493 का बनेगा, IPC 504 506 तो बनता है, अगर छोटी मोटी मारपीट कोई होती 323 324 325 वाला भी लग सकता है, और उसके बाद DV केस तो बनेगा और मेंटेनेंस केस भी बनेगा। अब इनसे आप बचने के क्या उपाय आप किसी, देखिए 376 493 से कैसे बच सकते हो आप, इससे बचने का आपके पास होना चाहिए कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा, आपको ये साबित करना है, चाहे वो वाया चैट के थ्रू, वाया वीडियो, वॉइस कॉलिंग, किसी के भी थ्रू आपके पास ऐसे एविडेंस होने चाहिए जिससे कि वाकई आप दोनों अपनी सहमति से रहे हो, या कोई आपने कोई एग्रीमेंट बनाया हो कुछ इस तरह से, कंसल्ट से दोनों ने शपथ पत्र लगा के बनाया है कि हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, अगर हमारे बीच में कोई मतभेद होते तो अपनी स्वेच्छा अनुसार दोनों अलग अलग मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आपका कुछ ऐसा है या चैटिंग वगैरह है तो इन चीज़ों से आप लोग डायरेक्टली 482 में लगाइए। देखो, FIR तो आपके खिलाफ दर्ज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो लिव इन रिलेशनशिप में रहो, कहीं भी रहो, तो कोई शौक के लिए तो नहीं रहता है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना, वो कहीं ना कहीं ये शादी वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भैया आपको ये सब चीज़ें साबित करना पड़ेगा और कहीं कहीं कंसल्ट शो ऑफ करना पड़ेगा, आपको सहमति शो करना ही पड़ेगा आपको। अब देखिए, सहमति शो करने के बाद आपका केस ये ना मामला खत्म हो जाता है हाईकोर्ट 482 लगाने के बाद, लेकिन आपके बच्चा DV केस का और ये मेंटेनेंस केस का, देखिए मेंटेनेंस केस में क्या होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में आपने अपना जो आपने अगर साथ में रहने लगे तो उस टाइम पे आपके बीच में क्या बाउंडिंग थी, क्या बात रही होगी कि साहब खर्चा क्या लड़का उठाएगा, क्या लड़की उठाएगी, या दोनों अपना अपना खर्चा उठाएंगे, कौन नहीं उठाएगी, ये बात आपको पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए, तभी जाके आप बच सकते हो, अन्यथा आपको मेंटेनेंस DV केस में तो आप पे चलने वाला है। तो इस वजह से आप किसी के साथ भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो तो कहीं बातों का ध्यान रखिए, और आपके ये केस जरूर होने वाले हैं, आपके विवाद हो रहा है तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।